हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर बंसल एजुकेशन नेटवर्क, दैट इज जिज्ञासा। और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का टॉपिक न्यूट्रिशन एनिमल्स, जो कि आपका लाइव प्रोसेस चैप्टर का, और ये आपका ऑनबोर्ड 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 ऑनबोर्ड हो चुके हैं। जब आप ऑनबोर्ड 3 पढ़ेंगे तो इससे पहले आप 2 ऑनबोर्ड पढ़ के आइएगा, तभी आपको ये ऑनबोर्ड समझ में आएगा। राइट स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके एनिमल्स। स्टूडेंट, जो एनिमल्स होते हैं वो आपके हेटरोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फीडिंग के लिए, अपनी एनर्जी के लिए और अपने न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें क्या बोला जाता है? हेटरोट्रॉप्स बोला जाता है। या फिर आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपका ईस्ट है, वो भी आपका स्टूडेंट कैसा है? वो भी आपका हेटरोट्रॉप है। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, जैसे आपके पिचर प्लांट है और वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये भी आपके स्टूडेंट हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, इसी बेसिस पे, फीडिंग हैबिट के बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में, जो कि आपने अपने प्रीवियस क्लास 7th और 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स आपके वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ ग्रीन प्लांट के ऊपर फीड करते हैं। कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स या वो एनिमल्स होते हैं जो आपके सिर्फ फ्लैश के ऊपर या फिर मीट के ऊपर फीड करते हैं। ओमनिवोर्स वो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो आपके दोनों के ऊपर फीड करते हैं, ग्रीन प्लांट के ऊपर भी और फ्लैश के ऊपर भी। तो दीज आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। सो दिस इज द थ्योरी बिहाइंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। राइट, इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो न्यूट्रिशन एनिमल्स में होते हैं। स्टूडेंट, बेसिकली 5 स्टेप आपको पढ़ने हैं। पहला होता है आपका इंजेशन, दूसरा होता है आपका डाइजेशन, तीसरा होता है आपका एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होता है आपका एसिमिलेशन और फिफ्थ होता है आपका इजेशन। तो जैसे जैसे बारी बारी से ये आते रहेंगे, हम लोग बारी बारी से नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ते रहेंगे। तो चलिए बहुत जल्दी से नोट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर के और अपने इस ऑन बोर्ड के, जो कि आपका न्यूट्रिशन एनिमल्स। तो आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए और अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, एज यू सी ऑन द बोर्ड, वी कैन स्टार्ट द थ्योरी। एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स। एनिमल्स को हेटरोट्रॉप्स बोला जाता है, क्यों? क्योंकि वो अपना फूड ऑब्टेन करता है किससे? प्लांट से और अदर एनिमल्स से। ठीक है, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों? हेटरोट्रॉप्स बोला जाता है। इवन नॉन ग्रीन प्लांट, आपका एक नॉन ग्रीन प्लांट भी हेटरोट्रॉप होता है, जो आपका ईस्ट होता है। 2 ऐसे प्लांट होते हैं जो आपके इंसेक्ट ईट करते हैं, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से 2 प्लांट हैं जो आपके इंसेक्ट ईट करते हैं, तो आप बोलेंगे पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। आपके फूड हैबिट के बेसिस पे 3 टाइप के एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, कौन कौन से? हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर्स। ये आपको तीनों लर्न करने होंगे अपने पेपर के लिए, कि फीड हैबिट के बेसिस पे, फीडिंग के बेस पे, फूड हैबिट के बेसिस पे 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके एनिमल्स, दैट इज हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर्स। ठीक है बच्चों, थ्योरी क्लियर हो गई, सब लोगों ने लिख ली। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे अब। चलिए आगे। नाउ स्टूडेंट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो आपके प्लांट्स ईट करते हैं, जैसे काउ, गोट, शीप और डियर। कार्निवोर्स आपके वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ फ्लैश ईट करते हैं, मीट ईट करते हैं, वो आपके कार्निवोर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर एंड सो ऑन। ओमनिवोर्स आपके वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों के ऊपर फीड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर भी और एनिमल्स के ऊपर भी, वो ओमनिवोर्स होते हैं, जैसे मैन, ह्यूमन बींग, डॉग, क्रो एक्सेट्रा। सो दीज आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो सभी बच्चे नोट्स बना लेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। राइट, चलिए जल्दी से करिए, फिर मैं नोट डाउन, फिर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। नो स्टूडेंट, एज यू सी ऑन द बोर्ड,
different steps in the process of nutrition in animals. यानी कि हमें nutrition in animals में कौन कौन से steps होते हैं वो हमें पढ़ने हैं, आपके board पे visible है. तो देखिए पहला step क्या है आपका, ingestion. पहले step क्या है आपका, ingestion. ingestion का मतलब क्या होता है, food को inject करना body में, ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंजेशन. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हमारे पास स्पेशल ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड माउथ. ठीक, उसके बाद डाइजेशन की बात करते हैं. डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो हमने फूड इनटेक करा है उसमें लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, पूरा प्रोसेस से होकर जाएगा आपका फूड. ठीक है, तो लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आपका ब्रोकन डाउन होगा, आपका छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होगा और स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा. इस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, इस प्रोसेस को बोलते हो आप डाइजेशन. क्या बोलते हो इस प्रोसेस को, डाइजेशन. ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब है जो आपका फूड डिकम्पोज हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, वो आपका ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, यानी कि जो उसकी एनर्जी है वो आपका वाटर सोल्यूबल बन के ग्लूकोज के फॉर्म में कहाँ जाएगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. क्या बोलते हैं प्रोसेस को, एब्जॉर्प्शन, जिसमें एक आपका सोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, आपका ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा. ठीक है, तो ये आपके तीन स्टेप हैं किसके, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के. देर आर टू मोर स्टेप्स विच आई राइट फर्दर, तो आप लोग जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए और मैं आपके बाकी के बचे हुए दोनों स्टेप भी लिख देता हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप लोगों ने लिख लिए होंगे, मैं रब कर देता हूँ. नाउ स्टूडेंट द लास्ट टू पार्ट, दैट इज एसिमिलेशन एंड इजेशन. सो एसिमिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, दैट इज द फोर्थ पार्ट. इसमें क्या होता है, जो ब्लड है वो आपके एब्जॉर्ब फूड को, जो एसिमिलेशन से फूड एब्जॉर्ब्ड हुआ है आपका, उसे सारे बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगा. ठीक है, तो सारा जो फूड है वो आपका सारे सेल कवर करेंगी. ठीक है, और सेल में क्या आएगी, एनर्जी आएगी, जिससे सेल क्या करेगी, ग्रोथ एंड रिपेयर करेगी आपकी बॉडी को. ठीक है, तो एनर्जी आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में या डिफरेंट पार्ट में क्या हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी, सेल आपकी रिपेयर होंगी, ग्रोथ में आपका वर्क करेंगी, हेल्प करेंगी, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन. इसके बाद क्या है, इजेशन, दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. इजेशन में क्या होता है, जो आपका अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड है, कौन सा फूड, अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड है, वो आपका बॉडी से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए बच्चों क्या है, हार्मफुल है, उसके अंदर टॉक्सिक गैसेज हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं, जो हमारी बॉडी को क्या करेंगे, हार्म करेंगे, और उसे हमें बॉडी से क्या करना है, बाहर लिबरेट करना है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इजेशन. क्या बोलते हैं बच्चों उस पार्ट को, इजेशन. सो दीज आर द फाइव स्टेप्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, राइट. वॉट आर द फाइव स्टेप्स, काउंट ऑन द फिंगर टिप्स, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. दीज आर द फाइव स्टेप्स. तो आप लोग पेपर के लिए अच्छे से पढ़ लेंगे इन फाइव स्टेप्स को, आपके पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं. तो स्टूडेंट इस ऑन बोर्ड में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे. ठीक है, तो आप लोग इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए जो भी आपने इस ऑन बोर्ड में पढ़े हैं. ठीक, और हम इसके आगे के जो टॉपिक है अपने नेक्स्ट ऑन बोर्ड में पढ़ेंगे. टिल देन गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा स्टूडेंट्स, एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग द चैनल, दैट इज द सागर बंसल एजुकेशन नेटवर्क, जिज्ञासा. ऑल द बेस्ट.